यस पेरेंट्स, वेलकम बैक टू प्रोफेशनल बैंकिंग। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि इस वीडियो में मैं आपके साथ पजल्स के जितने भी टाइप्स और सिटिंग अरेंजमेंट के जितने भी टाइप्स एग्जाम में आ रहे हैं उस सारों मतलब सारे टाइप्स आपको करवा रहा हूँ साथ में, और बता रहा हूँ अप्रोच कि कैसे उसको हम टैकल करते हैं। इसके बाद जो एक सीरीज शुरू करूँगा उसमें सिर्फ पजल्स अलग कर दूँगा और सिटिंग अरेंजमेंट को अलग करूँगा, और हर एक टाइप मिनिमम कम से कम 10 पजल और 10 सिटिंग अरेंजमेंट हर एक टाइप से कराऊँगा, ताकि जब हमारा क्लर्क एग्ज़ाम आया तो हम एकदम प्रॉपर रेडी हो चुके हैं। हमें पता हो कि हमसे कौन सी पजल बहुत आसानी से बन जाती है और कौन सी पजल में हम टाइम लेते हैं या थोड़ा टाइम टेकिंग लगता है, मतलब प्रोसेस लगता है कि हाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं उसमें ना। ये चीज़ें हमें क्लियर होना इंपॉर्टेंट था कि एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से हम अगर वैसी पजल आती है तो हम उसको छोड़ दें, स्किप कर दें और दूसरे क्वेश्चन को कर लें, ताकि हम लोग फंसे ना, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आप देखते हैं क्या है हमारे पास। तो आज है हमारे पास एक क्लासिफाइड पजल। तो सीक्वेंशियल पजल हमारा कंप्लीट हो चुका है, आज हम क्लासिफाइड पजल से स्टार्ट करेंगे। क्लासिफाइड पजल में देखते हैं क्या होता है। तो पहले तो वैसे मैं बता चुका हूँ क्लासिफाइड पजल क्या होती है, इंट्रोडक्शन वीडियो को नहीं देखा तो सारी देख लो जाके। उसके अलावा मैं बता देता हूँ आज दोबारा फिर क्लासिफाइड क्या होती है। क्लासिफाइड में क्या होता है कि कुछ लोग दिए रहेंगे या कुछ चीज़ें दी होंगी, उनको किसी चीज़ से कनेक्ट कर दिया जाएगा दो चीज़ से, ठीक है। उनका मतलब वेरिएबल दे दिया जाएगा दो, जैसे मान लो कुछ 7 लोग दिए गए तो वो किसी कंपनी में काम कर रहे होंगे, किसी कलर को पसंद कर रहे होंगे, कुछ ऐसा करके एक क्लासिफिकेशन कर दिया जाता है कि ये बंदा ये काम में काम करता है और या ये कलर पसंद करता है, ऐसे करते हुए पजल बनाई जाती है। तो वही पजल मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, तो ये बार देखते हैं पजल को, ठीक है। तो चलो देखो, जैसे कि यहाँ पे कहा गया है ABCDE ABCD और XYZ इतने लोग हैं और 7 डिफरेंट पैकेट्स ऑफ डिफरेंट चिली। ये 7 पैकेट हैं जो डिफरेंट चिली के पैकेट हैं, जिसमें आपको डिफरेंट स्पाइस के पैकेट हैं, सॉरी चिली तो एक वो है स्पाइस है, ठीक है। और कह रहा है कि वो है चिली, सॉल्ट, कमिन, क्लोव, अजवाइन, इलायची एंड टर्मरिक, ठीक, ये सारी चीज़ें हैं, बट नॉट इन द सेम ऑर्डर। और उसके बाद कंडीशन दे दी है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले एक बना लेना है जो हम बॉक्स बनाते हैं ना, एक वो बना लेंगे ताकि हम इजीली उसको सेट कर सकें वहाँ पे। 7 6 5 4 3 2 1 इसमें सिंपली कह दिया कि 7 लोग हैं तो हम 7 बना लेंगे, वो भी उल्टा बनाएंगे 7, मतलब ऊपर 7 होगा नीचे 1 होगा, ऐसा करते हुए बनाया जाता है, ठीक है। इसको बना लेंगे टेबल हम, ताकि टेबल में इजीली इस चीज़ को फिट कर सकें। उसके बाद हम धीरे धीरे कंडीशन लिखेंगे एक एक करके। चलो देखते हैं कंडीशंस क्या कह रही हैं। ओनली 3 पैकेट्स आर बिटवीन सी एंड द पैकेट विच इज ऑफ कमिन। तो कमिन का जो पैकेट है CU और सी का जो पैकेट है उसमें जो गैप है वो 3 पैकेट का गैप है, ठीक है। फिर कह रहा है देयर आर ओनली 2 पैकेट्स बिटवीन डी एंड द पैकेट विच इज ऑफ चिली। तो अब देखो ये कंडीशन अलग है और ये वाली कंडीशन एकदम अलग है ना, तो अलग लिख देंगे, तो थोड़ा दूर में चिली और डी में 2 लोग का गैप है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है पैकेट विच इज ऑफ कमिन इज अबव द अबव डी बट नॉट इमीडिएट अबव। अभी जो कमिन का पैकेट बताया इसने, ये कहा है कि ये डी के ऊपर है लेकिन इमीडिएट नहीं है, तो यहाँ पर काट देंगे, ठीक है। अब देखो पैकेट विच इज ऑफ टर्मरिक इज इमीडिएटली अबव सी। अभी तक जो हमें जितने भी कंडीशन मिल रही हैं वो सारी आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ओनली 1 पैकेट इज आर इज देयर बिटवीन बी और एक्स। अब ये एकदम अलग कंडीशन है ना, बी और एक्स में सिर्फ एक पैकेट है, पैकेट बी इज अबव एक्स। अब जो एक्स के ऊपर है ना, तो ऐसे करके एक्स बना दो यहाँ पे। नीदर पैकेट बी नॉर पैकेट ए इज ऑफ अजवाइन। तो बी का और ए का ऐसे लिख देते हैं, बी का और ए का इसे ये अजवाइन का पैकेट नहीं है, ठीक है, यहाँ पे काट देंगे। पैकेट ए इज नॉट ऑफ सॉल्ट। अब कह रहा है ए का पैकेट जो है वो सॉल्ट भी नहीं है, तो सॉल्ट लिख के भी काट देंगे, ठीक है। उसके बाद देखो पैकेट डी इज अबव द पैकेट विच इज ऑफ चिली। अब डी जो है वो चिली के ऊपर है, ऐसे लिख के सी एच, देखो ये चिली का पैकेट था ना, सी एच आई चिली का पैकेट था ना, चिली के ऊपर है डी, ठीक है। उसके बाद देखो पैकेट विच इज ऑफ चिली इज इमीडिएटली अबव ए। अब जो चिली है वो ए के तुरंत ऊपर है, ए हुआ ये, ठीक है, तो ए के तुरंत ऊपर है। द पैकेट विच इज ऑफ क्लोव इज इमीडिएटली अबव जेड। अब क्लोव तो अलग कंडीशन ना, सी एल ओ, ये कह रहा है मिट्टी अबव जेड के। देखो इतनी कंडीशन हमने लिखी है, इसमें से हमें ये 2 कंडीशन ऐसी दिखी हैं जो अलग हैं, बाकी सारी कंडीशन इंटरकनेक्टेड हैं। तो पजल बहुत आसान हो गई, जितनी ज़्यादा इंटरकनेक्टेड कंडीशन आपको मिल जाएंगी उतनी ज़्यादा पजल आसान हो जाएगी, नहीं मिलेगा तब आपको भाई बनाना पड़ेगा पॉसिबिलिटी लगा लगा के, है ना। तो अब देखो कौन सी कंडीशन आपके लिए बहुत बेहतरीन होने वाली है जिससे हम पजल को रखें और शुरू हो जाए।
ये दोनों को आपस में कनेक्ट कर लो, पजल आसानी से बन जाएगी। देखो जैसे चिली दो छोड़ के डी, और डी तो ऊपर है चिली के, और ए, और देखो एक ये हो गया, दो लोग इसके बीच में आएंगे, दो एक दो तीन चार पाँच, पांच लोग तो सीधे सीधे आ रहे हैं, अगर हम नीचे रख दें तो पांच लोग टपते यहाँ रख के बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन 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 भाई हम क्यों नीचे रखें, मैंने आपसे पहले भी कह चुका कि आपको जब शुरू करना है तो हमेशा ऊपर से शुरू करना है। लेकिन इस में आप देखो, इसमें कहा गया है कि डी के ऊपर है कमिन, ठीक है, और इमीडिएट ऊपर नहीं है, तो डी को तो मैं यहाँ रख नहीं सकता पहली बात। दूसरी बात, डी को यहाँ भी नहीं रख सकता, क्यों, क्योंकि इमीडिएट ऊपर हो जाएगा, इसका मतलब एक पॉसिबिलिटी बनी, डी को यहीं रखना पड़ेगा, और यहाँ रखते ही ये नीचे पूरा एकदम सेट हो जाएगा। चलिए मैं सेट करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं डी को यहीं रख सकता हूँ, एक ही पॉसिबिलिटी बन रही है, एक दो छोड़ के मैं चिली को रख दूंगा, ठीक है। उसके बाद जस्ट नीचे हो जाएगा ए, ठीक। अब कमिन यहाँ तो नहीं आएगा, तो कमिन जाहिर सी बात है यहीं आएगा, एक दो तीन छोड़ के सी आएगा, उसके जस्ट ऊपर टर्मरिक आएगा, ठीक। अब देखो कौन सी कंडीशन हमारे पास बची, अब बची है ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन। अब देखना ध्यान से, एक्स के ऊपर है बी एक छोड़ के, कितनी जगह पॉसिबिलिटी बन रही है। देखो बी को यहाँ रख सकता हूँ, नहीं रख सकता, क्यों, क्योंकि एक छोड़ के एक्स यहाँ नहीं आएगा। बी को यहाँ रख सकता हूँ, बिल्कुल एक छोड़ के एक्स यहाँ आ जाएगा। चलो बी को यहाँ रख सकता हूँ, एक छोड़ के एक्स यहाँ पे आ जाएगा, मतलब दो पॉसिबिलिटी बनी। लेकिन एक चीज़ ध्यान से देखो आप, बी को यहाँ रखेंगे तो एक्स यहाँ आएगा, ये फिल हो गया, ये भी फिल हो गया। अच्छा बी को यहाँ ना रख कर यहाँ रखें तो एक्स यहाँ आएगा, मतलब ये हर हाल में फिल होने ही वाला है, यहाँ पे बी या एक्स में से कोई आने वाला है। चलो मान लिया गया तो पक्का हो गया फिल होने वाला है यहाँ पे, मतलब जेड का कोई चांस नहीं बनता। अब बताओ जेड कहाँ कहाँ आ पाएगा, जेड यहाँ आ सकता है, नहीं आ सकता, यहाँ पे ग्लोब नहीं बैठ सकता, या जेड जेड यहाँ आ ही नहीं सकता, जेड यहाँ भी नहीं आ सकता, जेड यहाँ आ ही नहीं सकता, क्योंकि बी और एक्स यहाँ पे कन्फर्म है कि एक ना एक को तो आना ही आना है। इसका मतलब जेड के लिए एक ही जगह बच रही है सिर्फ यहाँ पे, तो जेड को पहले रख दो। जेड को जैसे ही आप रख दोगे, अगली कंडीशन आपकी बन जाएगी, जेड को यहाँ रखो क्लोब आ जाएगा, एक्स को यहाँ रखेंगे एक छोड़कर बी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब अजवाइन यहाँ नहीं आना था, और अजवाइन यहाँ भी नहीं आना था, नहीं देखो ध्यान से, अजवाइन बी और में सॉरी हाँ हाँ बी और ए में अजवाइन नहीं आना था, ठीक है। तो अजवाइन के लिए एक ही जगह बची यहाँ पे। अब यहाँ पे सॉल्ट भी नहीं आना था, सॉल्ट यहाँ आ जाएगा, ठीक। जो बच गया क्या बच गया, एक आपका हो गया इलायची, इलायची यहाँ रख देंगे बन जाएगा, ठीक है। तो और क्या बचा था इसमें, ABCDEF, हाँ वाई वाई वाई, ठीक है वाई बचा, ठीक। चलो तो ये पजल हमारी बन के रेडी हो गई है। तो दोस्तों ये पजल जहाँ भी आपको समझ में नहीं आई, आप पॉज कर देना, वो जो टाइम होता है ना, वो जिस टाइम पे पॉज होता है उस टाइम को कमेंट में मेंशन कर देना, मैं आपको समझा दूंगा दोबारा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं अगला अगला क्या है हमारे पास। तो अगला है हमारे पास एक स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। हम स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट पे आ चुके हैं इस टाइम, हमने सर्किल पढ़ लिया, हमने लीनियर पढ़ लिया, आई थिंक हमने पैरेलल भी पढ़ लिया ना, तो हमने ये सारे पढ़ लिए, अब स्क्वायर पे हम लोग आ गए, ठीक है। चलो देखते हैं इसमें क्या कह रहा है, क्या इसमें कह रहा है, एट पर्सन ए बी सी डी ई एफ जी एच आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल, फोर पर्सन आर सिटिंग एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल वाइल फोर आर सिटिंग एट द मिडल ऑफ द साइड ऑफ द टेबल, द पर्सन सिटिंग एट द कॉर्नर फेसिंग इन साइड। इसमें कह दिया कि कॉर्नर पे जो बैठे हुए हैं वो इन फेसिंग इन देख रहे हैं, फेसिंग इन है, ठीक है। ये हम अलग से लिख लेंगे ताकि हमें याद रहे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है पर्सन सिटिंग एट द मिडल साइड ऑफ द टेबल आर फेसिंग आउटसाइड, तो मिड पे जो भाई कॉर्नर पे अगर अंदर है तो मिड पे बाहर होंगे, ठीक है। उसके बाद कंडीशन का ये, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक बॉक्स बना लेंगे, हम शुरुआत एक ही से करेंगे, अगर हमें लगेगा कि दूसरी पॉसिबिलिटी बनानी चाहिए तो हम बिल्कुल बनाएंगे, और अगर एक पॉसिबिलिटी से काम चल जाएगा तो हम उसको नहीं बनाएंगे, ठीक है। वैसे एग्जाम में गलती मत करना, तुरंत दूसरी पॉसिबिलिटी बनाने ला अगर ऐसा फीलिंग आपको हल्का सा भी आए कि दो पॉसिबिलिटी यहाँ लग रही है, ठीक है। सारे अंदर दिखा दो, इनको सबको बाहर दिखा दो। चलो अब पेन नहीं, अभी कंडीशन नोट कर लेते हैं फिर पेन बदलेंगे, ठीक है। पहले इसको, हाँ अब देखते हैं कंडीशन, ए सिट्स, इसको मिटा दें, ए सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ई, अब ई के सेकंड राइट में ए बैठा है, ठीक है। ये मेरी पहली कंडीशन हो गई ऑफ ई, ठीक है। बोथ सी एंड एफ आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर, सी और एफ अगल बगल बैठे हुए हैं, ऐसे कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो एच सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए, तो डी के फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है, एच बैठा है ना, एच हाँ एच बैठा है जो ए का नेबर है, ठीक है। उसके बाद देखो एफ सिट्स डायगनली अपोजिट टू जी, डायगनली अपोजिट क्या होता है, डायगनली अपोजिट मतलब या तो इस जगह पे होगा, एक मिनट वो दिखाता हूँ, यहाँ यहाँ नहीं होगा, या तो यहाँ होगा यहाँ होगा यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, ये होता है डायगनल अपोजिट, ठीक है। तो इसमें कह रहा है, लेकिन अब दोनों में एक चीज़ आप कॉमन देखना, यहाँ पे बैठता है तो कितने लोग बीच में, तीन लोग,
यहाँ पे बेटा तब भी 3 लोग, मतलब ये डाइनिंग रूम में 3 लोग बीच में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। चलो कह रहा है कि कहाँ एफ एस से डाइनिंग अपोजिट जी, तो एफ और जी के बीच में कितने लोग हैं, 3 लोग आने वाले हैं, ठीक है। और ये जाहिर सी बात है कॉर्नर पे ही बैठेंगे, ठीक। चलो ए डज नॉट सिट अपोजिट टू सी, अब ए के अपोजिट में ना सी नहीं होगा यहाँ पे, ठीक। ये हमारी कंडीशन बन गई। अब हमें ये सिंपली क्लर्क लेवल की पजल है दोस्तों, एकदम क्लर्क लेवल। ये 4 कंडीशन देखो, एक पजल में ना 5 से लेकर 7 कंडीशन, इतनी कंडीशन तो होती ही होती है। तो आपको ऐसा लिखना है, ऐसे तरीके से लिखना है, जैसे 4 मैंने लिख दिया, अब 3 कंडीशन मैं इधर भी लिख सकता हूँ, 1 2 ऐसे का ये इधर करके लिख सकता हूँ। तो 5 से 7 कंडीशन होती है, इतना आपको दिमाग में लेकर चलना होता है कि एक पजल में इतनी कंडीशन होती ही होती है, मिनिमम बता रहा हूँ मैं, ये 9 भी हो सकता है, कभी कभी बढ़ जाता है ना कंडीशन। चलो इसको रखने की कोशिश करते हैं। पहले तो बताओ कि शुरुआत कहाँ से करें, कहाँ से हम शुरुआत कर सकते हैं। 1 मिनट इसको मिटा दो, इसको मैं सही से बना दूँ ताकि पता चलता है क्या लिखा हुआ। बताओ शुरू कहाँ से करें बदल को, सबसे अच्छा मतलब जगह कौन सी है शुरू करने की। देखो एफ जी ए, एफ जी से कोई रिलेटेड कंडीशन बन रही है, एफ से सी से बैठा दूंगा, चलो एफ से बैठा दिया, लेकिन सी 2 कंडीशन बना, 2 बनानी पड़ जाएगी। डी से एच बैठा के ए से 2 बना सकता हूँ, बन जाएगा, ठीक है। फिलहाल एक काम करते हैं कि इसमें तो कोई ऐसा बताया कि कोई कॉर्नर पे बैठा है या कहीं बैठा है, इसमें कोई नहीं बता रहा ना, तो हम नॉर्मली अपने हिसाब से लेकर रखेंगे चीज़ों को। चलो एक कंडीशन अभी फिलहाल ट्राई करते हैं, अगर नहीं बनेगा तो दूसरी कंडीशन बनाएंगे, ठीक है। डी को यहाँ रखें तो 1 छोड़कर 2 छोड़कर एच यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। अब ए के लिए 2 पॉसिबिलिटी बन रही, चलो रख के देखते हैं। मान लेते हैं ए को यहाँ रखते हैं, मान लेते हैं हाइपोथेटिकल केस में, तो ई के राइट में है ए को, अगर मैं यहाँ रखूँ, चलो मान लिया ए को यहाँ रखता हूँ, तो बताओ ई के राइट, ई का राइट कब होगा, ई जब यहाँ बैठेगा तभी राइट होगा ना यहाँ पे। अच्छा मान लो ए को यहाँ ना रख के यहाँ रखते थे अगर, तब क्या होता, तो ई यहाँ आ जाता, मतलब 2 पॉसिबिलिटी प्योर दिख रही। तो हमें क्या करना होगा, 2 पॉसिबिलिटी बना लेना होगा, क्योंकि एग्जाम में हम इतना टाइम नहीं रहेगा कि भाई एक को रखें फिर देखें फिर उसको हम मिटाएं फिर अलग बनाएं, ठीक है। तो हमें पहले ही इसको बना लेना है, ठीक है। पहले लॉ बना लेते हैं, उसके बाद हम दूसरी पॉसिबिलिटी आपके सामने ही चेक करते चलेंगे दोनों साथ में। दोनों पॉसिबिलिटी को एक साथ चेक करने में ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि तब हम चीज़ों को कंपेयर कर पाएंगे ना कि देखो यहाँ पे ऐसे ऐसे कर सकते हैं इसको हम। चलो ये हो गया, इसको भी बना लेता हूँ मैं, अंदर दिखा देते हैं सबको और इनको बाहर दिखा देते हैं। अब चलो पेन बदल लेते हैं ताकि पता चलता रहे। एक चलो ठीक है, वो तो आप ही देख लेना ये बाहर है। अब डी को मैंने यहाँ रखा तो एच को मैं यहाँ रखूंगा, एक कंडीशन में मैं ए को यहाँ रखता हूँ तो ई को यहाँ रखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। डी को यहाँ रखता हूँ, एच को यहाँ रखूंगा, एक कंडीशन में ए को यहाँ रखा तो यहाँ पे मुझे ई को रखना पड़ेगा, तो राइट में आ जाएगा। अब ए के सामने यहाँ पे एच है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे सी नहीं आएगा, ये कन्फर्म हो गया, ठीक है। हमारी ये कंडीशन हो गई, ये कंडीशन हो गई। अब देखो सी के अगल बगल एफ था, सी और एफ एक साथ जहाँ भी आएंगे साथ में आएंगे, और एफ से 3 छोड़कर जी, मतलब एच एफ के सामने जी होना चाहिए, और एफ और जी डायगनली अपोजिट है, इसका मतलब समझते हो, मतलब एफ या जी यहीं आएगा इस कंडीशन में 100%, एफ या जी यहीं आएगा इस कंडीशन में 100%, आपको पता है। अब देखो एफ अगर यहाँ रख दूँ तो सी कहाँ आएगा, एक मिनट देखना ध्यान से, इस कंडीशन की बात कर रहा हूँ, फिलहाल इसी कंडीशन में देखेंगे हम, ठीक है। अगर मैं एफ को यहाँ रखूँ तो सी यहाँ भी नहीं आ सकता, सी यहाँ भी आ, इसका मतलब एफ यहीं पर आएगा ना, तीन दोनों जगह पर नहीं आ सकता, इसका मतलब ये तो कन्फर्म हो गया कि हमारा जो एफ है वो यहीं पर आने वाला है, इस इधर वाली लाइन पर। यहाँ पर जी को रख दूँ और यहाँ मिटाल के एफ को रख दो, एफ को यहाँ रखोगे तो सी को यहाँ रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो ये कंडीशन हमारी हो गई, ये कंडीशन भी हमारी हो गई। अब एक ही बचा हुआ था, जो कौन बचा था, ए बी ए हो गया, बी बी बचा था, बी यहाँ रखेंगे, इसमें इसके हिसाब से तो बन गया, ठीक है, इसके हिसाब से तो बन गया। इसमें देख लेते हैं एक बार, इसमें देखते हैं क्या कर सकते हैं, इसको पहले हाईलाइटर लेता हूँ ताकि मैं समझा सकूँ। देखो इसमें भी सेम जगह, एक ही जगह बच रही है, एफ जी यहीं पर आ सकता ना, चलो रखते हैं। अगर मैं एफ को यहाँ इस जगह पर रखूंगा तो गलत हो जाएगा, सी नहीं आ सकता, इसका मतलब जी यहीं पर रखना पड़ेगा, एफ यहाँ पर रखना पड़ेगा, ठीक है, ये हो गया। अब एक दो दोनों जगह पे एक जगह सी आएगा, सी यहाँ आएगा जो कि वहाँ मना कर रखा है, इसका मतलब ये हमारी कंडीशन हो गई गलत, ये हमारी कंडीशन हो गई एकदम सही, ठीक है। तो दोस्तों होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये चीज़ ना, अगर नहीं समझ में आया तो कॉमेंट कर देना, मैं तुरंत इसको समझा दूंगा आपको, ठीक है, दोबारा सही समझा दूंगा। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो ना तो लाइक कर देना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी हिट कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसे ज्वाइन भी कर लो, ठीक है, क्योंकि इसकी लिंक और पीडीएफ मैं वहीं डालता हूँ। तो अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।